हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इस वीडियो में जो है इस पैटर्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे सामने जो है इवनिंग स्टार पैटर्न की इमेज दिखाई दे रही है। टू कंडीशन हम इसमें देखने को मिलेंगे। पहली कंडीशन तो चाहिए हमें ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहीं पे ये पैटर्न फॉर्म होता है और प्रॉपरली वर्क करता है। तो पहली कंडीशन रेजिस्टेंस चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो रहेगी, बेसिकली पैटर्न तीन कैंडल मिलके बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी कंडीशन बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। अप ट्रेंड के बाद में इस तरह का पैटर्न रेजिस्टेंस पे बनने के बाद में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल चाहिए हमें, क्योंकि ऑलरेडी हम अप ट्रेंड में हैं। फिर उसके बाद में जो बीच में जो आप कैंडल देख रहे हो इसको हम कहते हैं डोजी, और उसके बाद की जो आप कैंडल देख रहे हो रेड कलर की इसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल, जो कि ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल के 65-80% बॉडी के नीचे के साइड में जाके हमें क्लोजिंग चाहिए होती है। जैसे ही हमें यहां पे इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, तो उसके बाद जो है हमें अप ट्रेंड से सीधा डाउन ट्रेंड में आता हुआ मार्केट दिखाई देता है। तो यहां पे जो है अगर हम एंट्री प्लान करना चाहते हैं तो हमारी एंट्री फोर्थ कैंडल में रहेगी, मतलब कि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल की बात की जो फोर्थ कैंडल रहेगी मतलब कि उसकी नेक्स्ट कैंडल रहेगी, उस कैंडल में जो है हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर डोजी के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के हम जो इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान कर सकते हैं। और टारगेट जो रहेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो भी रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा। जैसे कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हो निफ्टी 50 का चार्ट है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद में हमारे सामने जो है एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है इवनिंग स्टार वाला। कंडीशन जो है हमारे यहां पे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद में डोजी, और उसके बाद जो है एक बेरिश कैंडल बिग वाली, और यहां पे ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जोन भी है। तो वहां पे ही एग्जैक्टली इसी लेवल पे आने के बाद में हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो कंटिन्यूअसली फॉल होने के बाद में सपोर्ट पे आके अगेन हमें ऊपर की ओर बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बहुत ही अच्छा पैटर्न है, आप जो है 100 चार्ट्स पे जो इसको जरूर प्रैक्टिस करें ताकि लाइव मार्केट में जो है आपको इसमें जो है फाइंड करने में आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न कवर करने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर वॉच करिए। स्टार्टेड का फीचर आप यूज करके डायरेक्टली यहीं से इसी पेज से जो है यहाँ पे आप जो है बाय कॉल बाय पुट कर सकते हो। जैसे कि हमें लगता है यहाँ पे ये नीचे जाने वाला है तो बाय पुट भी हम कर सकते हैं। बाय पे हम यहाँ पे बाय पुट पे टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। कंटिन्यू पे हमें टच करना है। अगर आप बाय करके होल्ड करना चाहते हैं ओवरनाइट के लिए तो कैरी फॉरवर्ड में करेंगे। सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते हो आप इंट्रा डे में करेंगे। लॉट साइज यहाँ पे 1 इंटर करेंगे हम, 25 का इसका बैंक निफ्टी का रहता है, निफ्टी का 50 का रहता है। तो यहाँ पे हमें लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि आप अपने मनपसंद प्राइस पर खरीद सकते हो। जैसे कि इसकी प्राइस चल रही है 234.95, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 230 पे तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जब भी इसकी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट भी क्या होता है, मार्केट रेट यानी कि जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होती है उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपली हमें बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद कन्फर्म आ जाएगा। कन्फर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस रहेगी इंट्रा डे के लिए भी। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शंस में एंट्री का प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाएं। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज़ करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।